बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और यह गुलाब भारती टाइगर कह रहा है, क्या कहना है? अरे बहुजन के आँख कान, अरे बहुजन के आँख कान फूट लिए बाबा, अरे बहुजन के आँख कान फूट लिए बाबा, की हल थकिया तोहर लूट ये बाबा। आज SC ST OBC हमारा, आज जो वोट का अधिकार हमें मिला है, इस देश में राजा का बेटा ही राजा हुआ करता था, लेकिन संविधान के माध्यम से देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिए और मजबूत लोकतंत्र दिया, बाबा साहब ने इस देश को हमें वोट का अधिकार दिया। लेकिन आज हम MP विधायक तो बन रहे हैं, लेकिन समाज हमारा कहाँ है, हमारा बहुजन समाज कहाँ है? इसके ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, इन नेताओं को कोई चिंता नहीं, मात्र केवल अपने चिंता में हमारा परिवार आगे बढ़ जाए, दो चार दस बंगले तैयार हो जाएं, दो चार दस एकड़ खेत ले लिया जाए, 100 एकड़ खेत ले लिया जाए, प्लाट ले लिया जाए, अपनी भरपाई करने में मशगूल है, समाज कहाँ है कोई चिंता नहीं है। कैसे भला होगा इस बहुजन समाज का, इसलिए कहना है बहुजन के आँख कान फूट लिए बाबा, अरे बहुजन के आँख कान फूट लिए बाबा, दिहल थतिया तोहर लूट ये बाबा। विचार करेंगे मेरी लाइन पर, आज देख रहे हैं देश के अंदर क्या हो रहा है, आज हमें समझ में नहीं आता, क्या हमें इस दलित को, SC समाज को इस देश में संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? घोड़ी चढ़ने पर दलित को जान से मार दिया जाता है, मूछे रखने पर दलित की हत्या हो जा रही है, अगर विद्यालय में बच्चा पढ़ाई करता है तो ऐसी पिटाई किया जाता है कि अंतोगत्वा उसकी मौत हो जाती है। और आज भी हम ये कहने के लिए मजबूर हैं कि हम, जब लोग पूछते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, कहाँ इनका हिंदू तो चला जाता है, जब वोट की बारी आती है साथियों, हिंदू का नारा लगाते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, लेकिन जो ही मामला वोट का खत्म हो जाता है, जब MP MLA बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर वही जात शुरू हो जाती है। लेकिन बहुजन समाज को विचार करना होगा, आखिरकार इस देश में हमें करना क्या है, बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब को हमें पढ़ना पड़ेगा, पेरियार ललित सिंह यादव को पढ़ना पड़ेगा, रामस्वरूप वर्मा जी को पढ़ना पड़ेगा। आखिर साथियों मिशन क्यों पीछे चला गया, आखिर आज हम क्यों पीछे हैं, हमें विचार करना होगा, इसलिए कहना है गले झुराई जातिवाद भेदभाव में, यहले गवाय जिम्मेदारी के अभाव में, हल थतिया तोहर लूट ये बाबा।
आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी सारे लोग जानते हैं, पूरे देश के लिए काम किया, देश को जो आजादी मिली ये बाबा साहब की देन है। भारत में बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन फिलहाल लोग कहते हैं कि ये तो चमारों के नेता थे, जो भी कुछ किया है चमारों के लिए किया है, एसी के लोगों के लिए किया है, तो दुख होता है साथियों। वो तो ऐसे मसीहा थे जिन्होंने भारत को एक दिशा देने का काम किया है, नमन करता हूँ ऐसे मसीहा को, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है क्या हो के आजाद कोई ले लाना सलामी, सिरवा पे गइल मेडराय फिर गुलामी, आज भारत में जो वर्तमान सरकार चल रही है, योगी की सरकार हो पीएम मोदी की सरकार हो, और कानून अगर कोई इस देश में चला रहा है कहने के लिए तो भाजपा है, मोदी है प्रधानमंत्री, देश को अगर चलाने का कोई काम कर रहा है तो आरएसएस है, आरएसएस के सारे प्रयास सरकार चल रही है, और सारा कानून सारा विधि विधान आरएसएस ही ऐसा संगठन है जो एक कहता है बार बार, जिसके प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, एक कहते हैं हम देश में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र संविधान बनाएंगे, मोहन भागवत जी को शायद बाबा साहब का संविधान अच्छा नहीं लगता, आखिर उनसे कोई सवाल करे कि जो बाबा साहब का संविधान है जो कॉन्स्टिट्यूशन है आखिर क्या गलत है उसमें। आप मनुस्मृति की बात करते हैं, जोगी जी का लेख मैंने पढ़ा था कि देश हमारा मनुस्मृति से चलेगा, पहले जब देश मनुस्मृति से चल रहा था तो दलित के गले में हड़िया बांधी जाती थी, कमर में झाड़ू बांधे जाते थे, कोई अधिकार नहीं था इस देश में, मतलब जब हम गुलाम थे इस देश में दोहरी गुलामी सहने के लिए मजबूर थे, या सरकार या आरएसएस, फिर इसका मतलब दलित के गले में हड़िया बांधना चाहती है, कमर में झाड़ू बांधना चाहती है। तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को चेतन करते हुए यह रिक्वेस्ट है मेरा कि आपको लामबंद होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, वरना हिंदू धर्म का बने रहेंगे तो ऐसे ही आपके ऊपर अनाचार अत्याचार आपके अधिकारों का हनन होता रहेगा। और ये जान लें कि आप अपने बच्चे को बड़े दिल से पढ़ाते हैं, हौसला से पढ़ाते हैं, मेरा बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनेगा, लेकिन इस सरकार में इम्पॉसिबल हो गया, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप नौकरी की चिंता छोड़ दीजिए, नौकरी मिलने वाली नहीं है इस सरकार में, इसलिए कहना है ओके आजाद कोई ले लाना सलामी, सिरवा पर गईल मेडराय फिर गुलामी, हल थतिया तोहर लूटे ये बाबा, लिखने का काम हम लोगों के राइटर हैं बीके सिन्हा जी, इस गीत को लिखते हुए बता रहे हैं क्या बीके सिन्हा, मीसा नवड़ना बिछवना
बुझा न भैया दादा एक खेलो न पीके सिनमी सन ओढ़ना बिछवना बुझा न भैया दादा एक खेलवना गुलाब भाती किस्मत अब फूटलिए बाबा अरे गुलाब भाती किस्मत अब फूटलिए बाबा बिहल खतिया तोहर लूट ये बाबा बिहल खतिया तोहर लूट